जो नए लोग जो देख रहे हैं वो लोग अपने स्किल्स को कैसे डेवलप कर रहे हैं नए लोगों के लिए दो वे है हाँ। एक तो मैं मैं मानूंगा कि वो कुछ अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं फ्री, फ्री, में अवेलेबल है हाँ। आपके चैनल पे बाकी हाँ। सारे चैनल पे बिना कोई कोर्स लिए आप यूट्यूब करना सीख सकते हैं बिल्कुल आप ब्लॉगिंग करना सीख सकते हैं हम मैं मान के चलता हूँ कि आप फेल कर जाएंगे मतलब ये एज्यूम कर लेते हैं पहले ही कि आप फेल कर जाएंगे मैक्सिमम क्या ही होगा फेल कर जाएंगे बट उस प्रोसेस में जो आप स्किल सीखेंगे वो आपको एक फ्रीलांसर बना देगा तो अगर चल गया तो आपका एक बिजनेस हो गया आपका एक कंटेंट क्रिएटर आप हो गए एक इन्फ्लुएंसर हो गए और अगर नहीं चला तो आपके पास स्किल्स आ गए जिसको आप यूज़ करके बन सकते हैं एक अच्छा फ्रीलांसर और वहाँ से पैसे कमा सकते हैं दूसरा है कि आप अगर एकदम फ्रेशर हैं नहीं चाहते कि अपना खुद कुछ करें तो आप एज एन इंटर्न किसी के लिए काम कर सकते हैं आप पैसे ना लें मतलब आप कुछ ना चार्ज करें तो आपको काम इजीली मिल जाएगा और वहां आप काम करेंगे तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो आएगा शुरू के दो तीन महीने आप फ्री में ही काम करके अगर एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं कुछ पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए जैसे मान लीजिए कोई राइटर है वो किसी के लिए लिख रहा है वो अपने वेबसाइट पे उसको उसके नाम से आर्टिकल पब्लिश करके दे बिना पैसे के ही अगर वो लिख रहा है एक उसको पोर्टफोलियो मिल गया तो अब वो आगे जब क्लाइंट्स को रीच आउट करेगा तो वहां उसको हेल्प करेगा तो यही दो वे है या तो अपना खुद कुछ स्टार्ट करके सीख ले या फिर कोई और जो स्टार्ट किया हुआ है उसके आप फ्री में ही काम करके सीख लेंगे लें। जैसे मान लीजिए आपके चैनल पे इतने सारे फ्री कोर्सेस है तो उसको देख के सीख लें क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर जैसे मान लीजिए कोई बंदा इधर उधर से चीजें सीख रहा है तो उसके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत है या फिर काम दिखा के हो मुझे मैंने आज तक कभी किसी को सर्टिफिकेट के लिए नहीं बोला कि ये मेरे पास सर्टिफिकेट है मैं रिसेंटली एक किसी से बात कर रहा था तो उसने कहीं एक महीने एज एन इंटर्न काम किया था तो मैंने उससे पूछा मतलब राइटिंग में इंटरेस्टेड हो तो उसने बोला हाँ हूँ बट मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला जहाँ पर मैंने काम किया मैंने बोला सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण थोड़ी है कि आपने राइटिंग करी है आपने उस एक महीने में क्या सीखा वो इंपॉर्टेंट है उसको यूज करके आप आगे बढ़िए तो ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनको सर्टिफिकेट मिलेगा फिर जाके स्किल का सर्टिफिकेट क्या ड्राइवर पे, पे कहीं सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगता किसी है? से मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसने मुझसे मेरा सर्टिफिकेट मांगा हो